भारत मुक्त कांग्रेस का नारा दिता जाता बीजेपी वालों खास तौर से लगता भी आम आदमी पार्टी पूरा योगदान दे रही है। सानू बीजेपी के सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं, इन्होंने जात पात के धर्मों के नाते जिस तरीके वंडिया पाई हैं कांग्रेस पार्टी इकट्ठा करके अगे ले जा सिर्फ एक न्यूज़ बनाने वास्ते लोगों का ध्यान दूजे करने वास्ते लोटस आ गया जी सानू आ कहता जी सानू आ कहता कट्टर ईमानदार जे तो सानू एक गल का जवाब दे दो 1800 रुपये सैकड़ा रेता होंदी सी ते तुसी कहिंदे हो लुट के खा गए अज 7000 रुपये सैकड़ा रेता आ ते 5200 रुपया कौन लुट रहा ये लोगों को दसो। हुण भारत भूषण आशू ने तुसी कहा गलत है मन लिया, उन्हें कहा जी मैनू फड़ लो मैं आया, नहीं फड़िया जो इतों लुधियाने जाता तो उदो जाके उत्ते रेड कर देंदे जी तुसी। ये की है साढ़े तो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तुसी जे तो ते सज़ा दवाओगे तो मैं कहना असी कांग्रेस पार्टी उहदे नाल कोई वाह वास्ता नहीं रखो। इकबाल होणी भी कोई बयान देंदे आ सोच के दे कि जिहदे नाल समाज दे विच वंडी ना पवे, ठीक है तुसी काम करना अपना करो तुसी प्रचार करना करो पर उहो जिहा कोई बयान ना दो जिहदे नाल पंजाब दे विच कोई अराजकता। सत श्री अकाल, देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी, मैं हाँ सुरखाव। दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान नूं लै के चोण होनी है, चंडीगढ़ दे विच मीटिंग है, अर्जुन खड़गे अज इस मीटिंग नूं जिहड़ा कि अगवाई करनगे, इसकी प्रधानगी करनगे। मेरे नाल MP गुरजीत औजला ने। औजला साहब, राष्ट्रीय प्रधान की चोण नूं लै के शशोपंज बड़ा रहा, विवाद बड़ा रहा, की लगता कांग्रेस की बेड़ी पार किवें लगू? देखो कांग्रेस पार्टी का विवाद करने वाले तो जो कहना वह करी जाना है, पर तुसी राहुल गांधी जी की सोच और सोनिया गांधी जी की सोच देखो, जे यूथ इलैक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो कांग्रेस पार्टी हुई है, जे वड्डी इलैक्शन प्रक्रिया शुरू हुई है तो कांग्रेस पार्टी हुई है, किसी होर पार्टी नहीं गई कहू है ने, बाकी सारा कुछ आपको पता किस तरह चलता, पर जो डिमांड आई है वो मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला लिया और हुण उन्होंने जी इलैक्शन होनी है वो सारियां अपने तौर के उत्ते जिहड़ा अपना कैंडीडेट है वो बनता मौका दिता गया। अज मलका अर्जुन खड़गे जी सारे डेलीगेट नाल गलबात करनगे और अपना जिहड़ा ब्लू प्रिंट है वो दस्सणगे कि कांग्रेस नूं किद्दां अगे लैके जाणा है, फिर उस तो बाद साडे जिहड़े वर्कर वो फैसला करनगे और वोट दित्ती जाएगी। कांग्रेस नूं अगे किवें लैके जाणा? भारत मुक्त कांग्रेस का नारा दिता जाता बीजेपी वालों खास तौर पर, लगता भी आम आदमी पार्टी भी उस पूरा योगदान दे रही है, चाहे हिमाचल होवे चाहे वह पंजाब की गल कर लीए, पहला देख चुके हैं किस तरह के हालात, गुजरात भी उहो जिहा कुछ ही लगता। सानू बीजेपी के सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा वो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा है जिन्हों खेरू खेरू करने लई ये बीजेपी ने पूरी ताकत ला रखी है। भारत एक सैकुलर फोर्स है, एक सारे वर्गों का देश है, सारे नाल लैके चलना चाहिए है, पर इन्होंने जात पात के धर्मों के नाते जिस तरीके वंडिया पाई हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें इकट्ठा करके अगे ले जा रही है। देश की आज़ादी तो पहलों भी बाद भी लोग मुद्दों के उत्ते कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोग आवाज़ उठाई है और जी इलैक्शन है ये भी उसकी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जितों तक दूजिया पार्टियां का सवाल है, देखो वो ए पार्टी है तो जी आम आदमी पार्टी वो बी पार्टी है, मैं ये पहलों भी कहा सी, मैं अज भी कहता बी पार्टी है। कहते हैं कि लोटस ऑपरेशन होया पंजाब च, कांग्रेस बोली नहीं, कांग्रेस भाजपा का साथ, देखो कौन नहीं बोलिया सी किन्ने गलत होया, मैं कहना गलत होया जे कोई इसने गलत किया, पर साबित तो करो ना, तुसी लोगों का ध्यान लोगों को जवाब देने लिए लोग पुछण डे भाई 7000 रुपये सैकड़ा रेता क्यों लई, गरीब बैठा है एक बिल्डिंग के काम के नाल एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट के नाल घट्टो घट 40 से 50 वर्ग जुड़े होंगे है, अलग अलग वर्ग चाहे कोई वायरिंग करता कोई कुछ करता अलग अलग तरह के, वो सारे वर्ग इन्हों को जवाब मांगते हैं, इन्होंने एक नवी चलाता ऑपरेशन लोटस, दसो फड़ो बंदे लियाओ किड़ी कार्ड आई है तुहाडे को, पुलिस है तुहाडे को, इन्ना वड्डी सरकार है, तुसी दसो तो सही, सिर्फ एक न्यूज़ बनाने वास्ते लोगों का ध्यान दूजे करने वास्ते ये लोटस आ गया जी सानू आ कहता जी सानू आ कहता, जो तुम विरोधी पार्टियां दबाने वास्ते उन्होंने बंदे फड़ते जी तद तुहाडा काम सारा ठीक है, जे ईडी जां कोई दूजा डिपार्टमेंट तुहाडे वाले बन्ने आउंदा है तां तुसीं कहिंदे जी असीं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार जे तो सानू एक गल का जवाब दे दो 1800 रुपये सैकड़ा रेता हुंदी सी ते तुसीं कहिंदे हो लुट के खा गए, अज 7000 रुपये सैकड़ा रेता आ ते 5200 रुपया कौन लुट रहा ये लोगों को दसो, लोग जवाब मंगन डए ने, उस लुट दे नाल गुजरात ते हिमाचल दियां इलैक्शनां लड़ियां जा रही, ये सारा पंजाब जानता इस चीज़ को, उस तरीके रेता जाके वेख लो अमृतसर के खड्डां च भी निकल रही है, सारियां जगह पर निकल रही है और महंगी किनूं मिल रही है, साड़ी सरकार वेले 1800 रुपया सी उन्हूं लुट कहा जांदा सी, जबकि सब तो वध रेवन्यू कांग्रेस पार्टी के समय जिहड़ा रेता बजरी का आया
तो अज की हो रहा जी, फिर मिलती कोई नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम रुक गए ने, सिविल भी दूसरे भी, तो सरकार कितने है जी। तुसीं विजिलेंस की कार्रवाइयों की गल करते हो, लेकिन जिस तरीके कांग्रेस तो चाहे ईडी की हो, डर क्या जाता है खास तौर पर कहते हैं जो ईडी की रेड पैंती है तो डरते हैं, भाजपा च शामिल हो जाते हैं, इधरों पंजाब विजिलेंस घेरे पा रही है कांग्रेस को, की लगता है कार्रवाइया कि सही? देखो जेडे गए ने वो उन्होंने पता, वो ईडी ने उन्होंने डराया तो क्यों गए ने? कांग्रेस पार्टी तो खुद जाके विजिलेंस दफ्तर गई है भी तुहानू जिहड़ा बंदा चाहिए दसो, सानू फोन करो, अं फोन पर आवेंगे, पर ड्रामा ना करो कि असी जी छापा मारन गए, असी मनेरे मारे, असी बाहों फड़ लिया, वो नहाउन लगा सी, वो सौन लगा सी, ये ना काम करो। जे वो नहीं आता तद साडी पार्टी जवाब दे, पर तुसी एक ड्रामा क्रिएट कर दे जी। हुण भारत भूषण आशू ने तुसी कहा गलत है, मन लिया, उन्हें कहा जी मैनूं फड़ लो मैं आया, नहीं फड़िया, जो इतों लुधियाने जाता तो उदो जाके उहदे ते रेड कर देंदे जी तुसी। ये की है ड्रामा नहीं तो होर की है? हाँ तुसी इनकुआरियां ने इरीगेशन स्कैम पिछे, मतलब किड्डा वड्डा इनकुआरी है, करो ना अगे, क्योंकि जो तुहानू पता लगता कि हत्थ वड्डिया घरों नू जाणे नहीं, उधर तो तुसी हुंदे नहीं जे। कार्रवाइयां कांग्रेसियां ते हो रहियां ने उह दुरुस्त ने? जदों सज़ा दूगी उदों दुरुस्त होणगे, कोर्ट च आउण ना पहलों, कोर्ट च आउण। धर्म सिंह धर्म सोधना दियां जमानत हो गई है, किन्ना वड्डा इल्जाम लाउंदी सी, निकलिया की उहदे च? पर तुसी मैं कहना तुसी असी कभी भी नहीं कहांगे कि भ्रष्ट आदमी तो तुसी कार्रवाई ना करो, मैं कहूँगा उन्हें फड़ के अंदर दियो। पर देखो कचहरी जाके जवाब देना पैना, साढ़े तो सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तुसी जे तो ते सज़ा दवाओगे तो मैं कहना असी कांग्रेस पार्टी उहदे नाल कोई वाह वास्ता नहीं रखूगी, पर जे तुसी रंजिश के तहत किसी अंदर दोगे उन्हूं कार्रवाई अगे तोरोगे ही नहीं, लाल फीता शाही वाल तुरोगे ही नहीं, ये सिर्फ तुसी एक मतलब किसी मतलब धौण दबण वास्ते। ये शुरू तो साड़ी वैसे पंजाब की बदकिस्मती रही है कि जिहड़ी पार्टी पावर च आउंदी है वो ओपोजिशन नू बिल्कुल रगड़ा लाउंदे रखदी भी शायद मैं इहदे नाल मुड़ के दोबारा मैं इन्हां नू खत्म कर देना है, तो तुसी वेख लो जिन्हों जिन्हों खत्म करन की कोशिश की उभर के लोगों ने उन्हें दोबारा अगे लैके आए हैं। सो इस ये जिहड़ी धारणा है ये पंजाब का भी नुकसान कर रही है, ये साड़ी डिवेलपमेंट का भी नुकसान कर रही है, ये जिन्ना जोर इधरले बन्ने ला रहे। ठीक है तुसी कार्रवाई करनी, जो असी कह चुके हैं भी जिहड़ा बंदा चाहिए तुसी दसो बंदा तुहाडे कोल आजूगा, तो फिर क्यों तुसी उहनूं तंग करदे जी? नुकसान की गल की पंजाब की, पर जिस तरीके आखिरी सवाल तुहाडे प्रधान वालों चिट्ठी लिखी गई पंजाब दे वालों कि अमृतपाल की जांच होनी चाहिए आ, की लगता है बतौर एम पी की लगता है जांच होनी चाहिए है? तुहानूं लगता तुहाडे प्रधान जिवें कह जा रहा कि पंजाब नूं नुकसान? प्रधान जी ने जाबते च रह के जो चीज़ जो जो गल बनती सी उन्होंने कही है, अमृतपाल जो कह रहा संविधान के तहत कह रहा, पर जिहड़ा काम देश नूं तोड़न लई पंजाब नूं वंडण वास्ते होगा कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करूगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सैकुलर पार्टी है, सैकुलर सोचना चलती है और सारे इकट्ठे हो लैके चलण दा सुनेहा दिंदी है। सो जिथे सानूं यह पता लगेगा कि देश टुट सकदा, पंजाब दे विच वंडी पै सकदी, पंजाब च कोई आने वाले समय से कोई नुकसान हो सकता है, तो कांग्रेस पार्टी उत्थे खड़ी होगी। अमृतपाल हुणी भी कोई बयान देंदे आ, सोच के देन कि जिहदे नाल समाज दे विच वंडी ना पवे। ठीक है तुसीं काम करना अपना करो, तुसीं प्रचार करना करो, पर उहो जिहा कोई बयान ना दो जिहदे नाल पंजाब दे विच कोई अराजकता पैदा। सो ये सन लोकसभा मैंबर गुरजीत सिंह औजला, हालांकि अज 517 डेलीगेट आ जिहड़े कि पहुँच रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अज इत्थे इस मीटिंग की अगवाई करनगे, तो जो प्रधान की गल कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रधान की चोण की, उसनों लैके उम्मीदवार दावेदार ने। हुण जिस तरीके गुरजीत औजला का कहना आ कि कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा, कांग्रेस भारत नूं जोड़न दीआं नीतियां लिया रही है, दूजे जिहड़ा कि भारत नूं तोड़न दीआं गल्लां कर रहे हैं, खास तौर पर अमृतपाल के बयान पर कहिंदे हुए ने कि अमृतपाल नूं सोच विचार के बयान देने चाहिए ने, अजिहा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस नाल अराजकता फैले, जिस नाल पंजाब का माहौल है वह खराब होवे। मैं सरखाब अपने सहयोगी जस्सी दे नाल रोजाना स्पोक्समैन चंडीगढ़।